जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम, आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन है वो आगे वो देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है। व्हाट इज डिक्रीमेंट इंटरप्रेटर, ओके। यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिक्रीमेंट इंटरप्रेटर है ये क्या होता है। पहले क्या है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आज हमने क्या पढ़ना है डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें ये क्या है ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर गालबन हमने हर एक लेक्चर में देखा कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जो क्या है, कुछ स्पेसिफिक या क्या है, जो सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें लफ्ज़ क्या है, डिक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट मतलब क्या है कि आपने डिक्रीज करना है, क्या करना है डिक्रीज। ये क्या है कि ये अपने नाम से क्या कंसेप्ट छोड़ रहा है, कंसेप्ट को उधेड़ रहा है कि डिक्रीमेंट क्या होता है। डिक्रीमेंट स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिक्रीज करना, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंसेप्ट है, कोई वैल्यू है, तो उसमें क्या कि आपने कमी नुमाया करनी है, उसमें क्या कि आपने कमी करनी है, उसमें आपने कुछ कम करना है, उसमें कुछ आपने घटाना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, मनफी करना, क्या करना मनफी करना। ये लिखा क्या है स्टूडेंट्स, क्या कहा है खारिज करना या स्टूडेंट्स क्या है निकालना, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई वैल्यू है तो उसमें क्या कि आपने कमी करनी हो, उसको स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट, क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी वैल्यू में कोई चीज निकालते हैं, मतलब क्या कि जब हमारे पास दो वैल्यू है तो उनको हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन, क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या कि आपने मनफी करना है, आपने खान निकालना है। तो उसके लिए क्या कि हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, क्या करते हैं माइनस का साइन, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, मतलब क्या है कि उन वैल्यू को आपने कुछ ना कुछ निकालना होता है उन वैल्यूज के अंदर। तो बेसिकली इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमने वेरिएबल की वैल्यू ली होती है, ये हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू में वन का डिक्रीमेंट करता है, क्या करता है वन का डिक्रीमेंट करता है। फर्ज किया स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या कहा, अभी हमने क्या कि यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फर्ज किया हमने एक्स नाम का स्टूडेंट्स क्या कि वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक। अब इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू स्टोर किया कर ली वन, फर्ज किया। वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्स नाम के एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर किया कर ली वन, ठीक। अब एक्स में स्टूडेंट्स क्या है वैल्यू वन है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर क्या लगा दें डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो अभी हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस माइनस, क्या कहा है एक्स माइनस माइनस, क्या कहा है एक्स माइनस माइनस, यानी कि जो एक्स की वैल्यू वन थी इसने क्या कहा कि उसने वन की क्या करनी है कमी, यानी कि उसने वन मनफी कर देना है। तो आप स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, क्या आ जाएगी जीरो। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और जो इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिंगल हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं माइनस माइनस, क्या करते हैं माइनस माइनस, यानी कि आपने दो दफा माइनस लेना है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है, यानी कि इस तरह क्या है कि आप वैल्यू में डिक्रीमेंट करते हैं, आप वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, आप वैल्यू को कम करते हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में वो क्या है, डिक्रीमेंट जो जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेटर है ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यूनरी ऑपरेटर है, क्या है यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, देन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल ऑपरेंड, देन इज आल्सो कॉल्ड सिंगल ऑपरेंड, यानी कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जी तक, चाहे वो अपर केस में चाहे वो लोअर केस में, वो स्टूडेंट्स हमारे पास सब के सब क्या कहलाते हैं ऑपरेंड कहलाते हैं। तो बेसिकली इसने क्या कहा है कि जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या कहलाता है, ये यूनरी ऑपरेटर के अंदर काम करता है। यूनरी का मतलब क्या होता है, जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या स्टूडेंट लिखा वाई माइनस माइनस, देन इज आल्सो कॉल्ड, ये अब हमारे पास क्या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों है,
क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, y, y क्या एक सिंगल अपरेंड है। तो बेसिकली यही बात उसने यहाँ पे की है कि जो हमारे पास डिग्री में डिपेंडर होता है ये क्या होता है कि ये यूनि अपरेंड के साथ काम करता है। यूनि अपरेंड क्या होता है कि जिसमें सिंगल अपरेंड इस्तेमाल हो रहा, तो यहाँ भी सिंगल अपरेंड इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी सिंगल अपरेंड इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये जो कमी करता है, ये जो वैल्यू को डिक्रीज करता है, ये स्टूडेंट्स हमेशा वन करेगा। हम लोग वैल्यू में कमी, हम लोग वैल्यू को खारिज, हम लोग वैल्यू में मनफी जो करते हैं, हम लोग वन से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अभी नहीं देखेंगे। उसको जब हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त क्या कि मैं आपको वन से क्या कि ज्यादा कमी करके भी दिखाऊंगा। ओके, अब स्टूडेंट जो इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है वो क्या है कि स्टूडेंट्स ये क्या है कि ये हमेशा जो वैल्यू खारिज करेगा, ये जो हमेशा वैल्यू निकालेगा, ये जो क्या है कि हमेशा वैल्यू में डिक्रीमेंट करेगा, ये स्टूडेंट्स क्या है कि हमेशा हमारे वेरिएबल या क्या कि हमारी जो अपरेंड वाली वैल्यू होती है उनमें कमी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसे लिखा है 10 माइनस माइनस, या आपने क्या कि इसकी जगह पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, फर्ज किया a माइनस बी माइनस माइनस, इस तरह की आपने कोई भी वैल्यू लिखी है, तो बेसिकली ये दोनों वैल्यू क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 10 क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, ये जो हमारे पास सारी है ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये कहलाती है एक्सप्रेशन, क्या कहलाती है एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने लगा हूं कि ये जो दोनों हमने स्टेटमेंट लिखी है ये दोनों की दोनों क्या है, इनवैलिड है, ये गलत है। इनमें क्या कभी भी हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है। अगर आपने वेरिएबल की जगह पर, अगर आपने अपरेंड या वेरिएबल की जगह पर यहां पर कोई भी एक्सप्रेशन ले ली है, आपने यहां पर कोई भी कांस्टेंट ले लिया है, तो वो क्या होगी कि वो वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी। वहां पर जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या कहा कि 10 माइनस माइनस, ठीक है, अगर आप यहां पर लिखते a माइनस माइनस तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। इसमें क्या है कि जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये काम करेगा, इस वाली वैल्यू में काम करेगा, और ये इनवैलिड है, ये गलत है, इसमें काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या है कि ये कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ वर्क नहीं करता। यहां तक क्या कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी जो आगे मजीद टाइप्स हैं वो कौन कौन सी। स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो कितनी है, 2 टाइप्स है स्टूडेंट्स। पहली टाइप को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, परीफिक्स, क्या कहा है, परीफिक्स। स्टूडेंट्स सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वन स्टैंड फॉर परीफिक्स एंड सेकंड स्टैंड फॉर पोस्ट फिक्स। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अगर आप स्टूडेंट्स पहले को देखें, पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, परीफिक्स। परी का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, बाद में। ओके, परी का मतलब क्या होता है, पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। यानी कि परीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें जो हमारे ऑपरेटर हैं ये पहले आए, जो हमारा वेरिएबल है ये बाद में आए, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, परीफिक्स। फर्ज किया अभी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, ये हमने क्या लिखा, फर्ज किया स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं माइनस माइनस y, okay? That is also called prefix. क्या कहा है? Prefix, okay? यानी कि students prefix क्या होता है? जिसमें operator पहले आते हैं और जो हमारा variable है ये क्या आता है? बाद में। A से लेकर Z तक चाहे upper case है चाहे lower case है वो आपको पता है वो सारे क्या होते हैं? Variable। तो students जो हमने y लिखा है, y हमारे पास क्या है? Variable। ये जो हमने क्या लिखा है? Minus minus। Yes, yes students हमारे पास क्या है? Operator है, okay? तो इसमें क्या है? जो operator है ये क्या आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं और जो वेरिएबल है ये क्या आ रहा है? बाद में। तो ऐसे स्टूडेंट स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? परीफिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है? पोस्टफिक्स। परीफिक्स का जो रिवर्स है, जो उल्टा है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टफिक्स। यानी कि इसका उल्टा है। पोस्टफिक्स क्या होता है? बाद में। यानी कि स्टूडेंट्स क्या है कि जिसमें जो ये हमारे ऑपरेटर है
ये बाद में आए, और ये जो हमारा वेरिएबल ये क्या है पहले आए, यानी कि स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे y माइनस माइनस। ओके इसमें क्या है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये क्या है, ये पहले आ रहा है, जो हमारे ऑपरेटर ये क्या है बाद में आ रहे हैं, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट फिक्स। ओके आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी कुछ बातें रहती हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक की किसी भी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह माय उस्तादी चैनल्स आपको 24 आवर से पहले पहले रिप्लाई करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपने क्लास फेलो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताएं कि वो प्लीज माय उस्तादी चैनल्स का विजिट करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।